पंजाब में अवैध शराब के कारण जहां एक बड़ी त्रासदी हुई है, वहीं सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। बेशक पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं को बड़े पैमाने पर निपटाया जा रहा है, लेकिन शराब ठेकेदार अवैध शराब के खुले ठेके की कथित मिलीभगत से प्रतिशोध के साथ शराब बेच रहे हैं, जिसका एक उदाहरण श्री मुक्तसर साहिब के पास डोडा गाँव से मिला है, जहाँ कथित शराब ठेकेदार 4 अवैध ठेकों पर शराब बेच रहे हैं। असी सरकार नूं पुछना चाहुंदे वी एक पासे तो 120 बंदे नकली शराब नाल मर गए, दूजे पासे भी साढ़े दोदा पिंड दे विच 4 नजायज ब्रांचां चलदियां, तो जिहदे तो ठेके तो भी एक 8 साल का बच्चा शराब ले जांदा, एक 10 साल का बच्चा 10 साल दे बच्चे नूं दे रहे। ये पंजाब की हालत इन्नी गंभीर हो चुकी है भी मरण के बावजूद भी बच्चों भी ठेके से शराब परोसी जा रही है। ये जिहड़ी करोना बीमारी सी उहदे च इन्हां सरकार नूं मतलब ठेकियां की जरूरत बनी सी, दाल आटे की तो घट सी, तो ठेके खोलन की सरकार नूं छेती तो छेती सीगा भी ठेके छेती तो छेती खोले जाए, तो साडा हज़ारां रुपईआं का जिहड़ा ये ठेके जिहड़े ये नुकसान करते हैं। इस वास्ते ये जिहड़े नकली है, नकली शराब बंद होनी चाहिए है।